friends, I am Ashish Kumar Srivastava and today my topic is adverb. First of all, we talk about the definition of the adverb. Definition, adverb hai kya? Adverb, an adverb is tell us more about the verb, adverb and the adjective. First of all, we will try to convince you about the example. Ram swims fast. Ram is daudta hai. That is the action. मैंने अभी आपको बोला कि adverb हमको बताता है. Adverb and adverb tell us about the verb. तो इस sentence में verb swims है. Swims means तैरना. तो यहाँ पे action क्या हो रहा है? Swims तैरने का. इसलिए ये verb हुआ. तो वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है, वर्ब के विषय में जो हमें बताता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब. तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब विच डिस्क्राइब अबाउट द एक्शन, विच डिस्क्राइब अबाउट द वर्ब. ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है, मीन्स राम स्विम्स, राम तैरता है. ऑन विच मैनर, किस तरीके से वो तैरता है? फास्ट, बहुत तेज तैरता है. तो यहाँ पे हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज हमने किया है. तो swims means verb को जो describe करता है, verbs के विषय में जो बताता है, उसे हम बोलते हैं adverb. In this sentence, the Sudha is very beautiful. Sudha बहुत सुंदर है. The beautiful is an adjective. अभी मैंने आपको बताया कि adjective adverb जो है वो verb, adverb and adjective को के विषय में हमें बताता है. तो इस दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे तो एडवर्ब आपका वेरी हुआ एंड विच टेल अस अबाउट द ब्यूटीफुल विच इज द एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के विषय में आपको बताया जा रहा है वेरी ब्यूटीफुल. तो इस तरह से ये हमें ब्यूटीफुल के विषय में, मीन्स एडजेक्टिव को यहां पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, एडजेक्टिव के विषय में बताया जा रहा है, एडजेक्टिव को बताता. तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब. Now students, we talk about the types of the adverb. Adverb के कितने types होते हैं? Adverb of manners, adverb of place, adverb of time, and adverb of frequency, and adverb of degree. 1, 2, 3, 4, 5. There are the 5 categories of the adverb. First of all, we talk about the adverb of manner. Adverb of manner which tell us about the on how manners and action is done. Means किस action में, मैंने action जो है, verb जो है वो किस manner में perfect किया गया, complete किया गया, ठीक है. तो how action is done, means action verb किस तरह से done होता है. And second in the adverb of place, adverb of place is tell us about where is action done. एक्शन कहाँ पे डन होता है, मीन्स वर्क कहाँ पे, मीन्स एक्शन जो क्रिया होती है वो कहाँ पे डन होती है, वो कहाँ पे कंप्लीट होती है. तो ये हमें बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम्स विच टेल अस अबाउट द टाइम, ऑन दैट टाइम विच एक्शन हैज डन, मीन्स इस समय पे वो एक्शन डन होता है, कंप्लीट होता. एंड एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी इज ये हमें बताता है प्लस अबाउट द हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, मींस एक्शन कितनी बार होता है. एंड लास्ट इज एडजेक्टिव ऑफ डिग्री इज टेल अस अबाउट द हाउ मच एन एक्शन इज डन, विद एक्शन कितने, मींस उसका हाउ मच मींस होता है उसके अमाउंट, मींस कितनी मात्रा में वो एक्शन करता है, ठीक है. तो इस तरह से हम इसको क्लासिफाइड करते हैं 5 कैटेगरी में, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री. ओके, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. थैंक यू सो मच.